इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का प्रदर्शन। अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी मूर्ति के पास बीजेपी का 15 मिनट तक मौन हुआ और बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का यह प्रदर्शन, बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। देखिए, अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। 15 मिनट का मौन गांधी मूर्ति के पास बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने रखा है। कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल भी हुए हैं। पटना के गांधी मैदान में यह प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं का विरोध किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और गांधी जी की मूर्ति के पास 15 मिनट का मौन भी धारण किया गया है। कई बड़े नेता बीजेपी के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको राजधानी पटना से दे रहे हैं। आज देखिए, गांधी जयंती है और इसको लेकर बीजेपी ने गांधी मैदान में यह प्रदर्शन किया है। जनता पार्टी पूरे बिहार में आज मौन धरना कर रही है। यह मौन धरना हम इसलिए कर रहे हैं कि महात्मा गांधी और ईश्वर नीतीश जी को सद्बुद्धि दें कि बिहार में कानून व्यवस्था की जो दुर्दशा हो गई है कि नीतीश जी यहाँ पे इन्वेस्टर मीट करते हैं और 25 किलोमीटर दूर 1000 राउंड गोली चलती है और पता भी किसी को नहीं चल पाता है कि अपराधी कौन थे। एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। पूरे बिहार में आपराधिक घटनाएँ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, ये सब घटनाएं जो बढ़ी हैं, उन सब घटनाओं पर नीतीश जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज हम मौन धरना कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि ईश्वर सद्बुद्धि दे। अभी तक तो हम पुलिस पर यही इल्ज़ाम लगाते थे कि पुलिस शराब माफिया का काम कर रही है, बालू माफिया का काम कर रही है। अब तो नीतीश जी के राज में पुलिस की यह हालत हो गई है कि वह पंखा चोरी का भी काम करने लगी है। के मुंह में हम सबका मुंह, चलो। बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का यह प्रदर्शन अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। गांधी जी की मूर्ति के पास 15 मिनट का मौन भी धारण किया गया है और लगातार जो इस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और विजय सिन्हा भी देखिए इस प्रदर्शन में मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। तो तमाम बड़े हस्तियां, बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं बीजेपी की तरफ से। पटना के गांधी मैदान में यह प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें तमाम बड़े नेता बीजेपी के शामिल हुए हैं। गांधी मूर्ति के पास 15 मिनट तक का मौन भी धारण किया गया है और लगातार महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं और खासकर देखिए बढ़ती अपराध के मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना से गांधी मैदान की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में आपको नजर आ रहे होंगे। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और अपराध की जो घटनाएं बढ़ रही हैं बिहार में उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और आपराधिक घटनाएं लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल है। ठीक है, मैं बात कर। तो देखिए, तमाम ये जो बड़े नेता हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और तमाम ऐसे सवाल हैं महागठबंधन की सरकार पर, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सुरक्षा और इसके अलावा देखिए आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसको लेकर घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। गांधी जी की मूर्ति के पास यहाँ पर 15 मिनट का मौन धारण किया गया है। आज गांधी जयंती है और इसी अवसर पर बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन गांधी मैदान में किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवीन जी सड़क निर्माण मंत्री नहीं होते तो 15 साल से सिताब दियारा के उस स्थान पर जाने लायक नहीं था। यह नितिन नवीन जी को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आज जाने की पक्की सड़क उस जगह पे हो गई है, वरना पिछले साल तक जितने लोग सिताब दियारा गए हैं वह अच्छे से जानते हैं कि कौन सा शासन का नमूना वहाँ है। और सबसे शर्म की बात तो यह है, इसी गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण जी के
साथ देने वाले उनके शिष्य आज सोनिया गांधी की चरण वंदना में जुटे हैं। एक वह लगातार परेशान रहेंगे। वह जानते हैं कि अमित शाह जी का सीमांचल दौरे ने पूरे उस इलाके का परसेप्शन बदल के रख दिया। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अभी वो क्यों चिंता कर रहे हैं। अमित शाह जी को मैं हर महीने अगर आमंत्रित करूंगा, हर महीने आएंगे और नालंदा में भी आकर के वह पूर्णिया से ज़्यादा बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। जाहिर बात है आने वाले समय में आएंगे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चल गया प्ले है। तो देखिए साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है बढ़ती अपराध को लेकर। और अमित शाह देखिए 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, इसको लेकर भी बात की जा रही है। और साफ तौर पर कहना है कि हर महीने अगर जरूरत पड़ी तो वो हर महीने बिहार के दौरे पर रहेंगे। सीमांचल के बाद अब सारण में गरजते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इसको लेकर बीजेपी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और देखिए आज ये गांधी मैदान में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन गांधी मैदान में किया जा रहा है। गांधी जी की मूर्ति के पास 15 मिनट का मौन भी धारण किया है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन की सरकार यहाँ बढ़ती अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल है। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। महागठबंधन की सरकार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हुए सभी नेता नजर आ रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। पहली बात यह है कि भारत के संस्कृति विभाग का आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत के महान सेनानियों के स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम का यह कार्यक्रम है। उसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो भारत में आज़ादी के आंदोलन के विभूति थे, तो उनको प्रणाम करने वो आ रहे हैं। लेकिन इस पर परेशानी क्या है नीतीश बाबू को? बड़ा सवाल ये है कि नीतीश बाबू, क्या बिहार में आने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीसा लेना पड़ेगा? क्या मतलब है इसका? बिहार भारत का अंग है ना। नीतीश माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है ना, कोई कहीं भी जा सकता है। हम लोग सब जेपी मूवमेंट के सिपाही हैं, नीतीश बाबू आप ही रहे हैं। तो जेपी तो विरोधियों का भी सम्मान करते थे। नीतीश बाबू हो क्या गया है आपको? जेपी की सारी सीख भूल गए? भ्रष्टाचार से समझौता किया, कुर्सी के लिए सारे सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी, और आपको इस पर भी परेशानी है? तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, एक बार नहीं 10 बार अमित शाह आएंगे, हर साल आएंगे। और संकल्प भाजपा का भी है, उनका भी है और पूरी पार्टी का है कि आपको सत्ता से लोकसभा में बाहर करना है और विधानसभा में बाहर करना है। तो सीधा हमने अपना उद्देश्य आपको बता दिया। धन्यवाद। सिद्धांत की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, बापू जी के, बापू के, और पहला ही सिद्धांत उनका था कि राजनीति, सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं। आप ये सवाल हमसे नहीं, नीतीश बाबू से पूछिए। मुझे मालूम है कि उनको क्यों चोट लगी है, तलखी हुई है, क्योंकि अमित शाह जी ने अपनी पहली यात्रा में बता दिया कि उन्होंने पहले लालू जी को धोखा दिया, फिर हमको धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी जी को धोखा दिया, रामविलास पासवान को धोखा दिया, लालू जी को दोबारा छोड़े, हमको छोड़ दिए। तो राजनीतिक गठबंधन को छोड़ना, तोड़ना और फिर जोड़ना, ये तो उनके पूरे डीएनए में है ना। तो ये सच्चाई कहने में दिक्कत क्या है? ये तो सच्चाई है। तो नीतीश बाबू, बड़ी विनम्रता से ये सच्चाई हम लोग नीचे तक बताएंगे, जोर से बताएंगे। और आपकी कुर्सी खत्म होगी, अब 17 साल हो गया, आप बटन दबा करके कुर्सी पर बैठते रहते हैं, अब वो बटन ऑफ करने का समय है। धन्यवाद। चलिए, तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद नजर आए।
और बिहार का सियासी पारा अब बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और इसके बाद से ही अब सियासत तेज हो गई है, सियासी पारा बढ़ गया है, क्योंकि देखिए 20 दिनों के अंदर ये दूसरी बार उनका बिहार का दौरा होने वाला है, जिसको लेकर जो बीजेपी के तमाम अधिकारी और नेता हैं वो बेहद उत्साहित हैं और उनकी स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।